आप अक्सर कहते हैं कि शरीर और मन से परे आत्मा है और आत्मा का अनुभव हम खुद को ही हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा ढंग जिससे आत्मा का अनुमान लगाया जा सके, क्योंकि अनुमान तो लगाया जा सकता है ना, ऐसा ढंग बताइए जिससे आत्मा का अनुमान लगाया जा सके। कोई स्टीक सुंदर और सरल व्याख्या द्वारा बताने का कष्ट करें। सरल व्याख्या द्वारा बताने का कष्ट करें जो पहले से शास्त्र वर्णित न हो, बड़ा अजीब सवाल किया है। पहले से शास्त्र वर्णित न हो, प्रश्न भी पूछा है और जवाब देने की बेड़ियां भी लगा दी है। कैसे प्रश्न का जवाब दूंगा मैं? पहले से शास्त्र द्वारा वर्णित न हो, क्या आप जानते हैं कि ईश्वर और आत्मा के बारे में जितने शास्त्र लिखे गए हैं उन शास्त्रों के किताबों की भार तले आकर सारी दुनिया दब सकती है, इतने शास्त्र लिखे गए। इतने शास्त्र लिखे गए हैं कि इन शास्त्रों के भार तले आकर व्यक्ति कुछ ले जाए, उनका भार इतना ज्यादा है। तो ये तो ना कह सकूंगा कि किसी शास्त्र में वर्णित नहीं है पहले से, लेकिन कोशिश अवश्य करूंगा कि कोई ऐसे उदाहरण दे सकूं जिससे आपको ये स्पष्ट अनुमान लग सके कि आत्मा है। तो चलिए सुनिए। सबसे पहली चीज, क्योंकि सबसे आसान जो मैं मार्ग समझता हूं जिससे आप समझ सकते हैं वो एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है जिससे आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझाया जा सकता है, और शास्त्र वर्णित तो शायद होगा ही, क्योंकि प्रत्येक तरह की बातें, प्रत्येक तरह की साधन मार्ग महान पुरुषों के द्वारा बता दिए गए हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको सरलतम पद्धति से बताने की चेष्टा करूंगा। तीन तरह की अवस्थाएं व्यक्ति की होती हैं। एक तो जागृत, एक स्वप्न और एक सुषुप्ति निद्रा। जागृत में तो आप सभी क्रियाकलाप करते हो, आप जानते हो सारे दिन जो आप कामकार करते हो, काम धंधा व्यापार बोलचाल लेन देन कर्म, वो जागृति में करते हो। स्वप्न अवस्था, जैसे आप स्वप्न देखते हो, करीब करीब प्रत्येक व्यक्ति को स्वप्न आता है,
सिर्फ उन व्यक्तियों को स्वप्न नहीं आता जो व्यक्ति दौड़ से मुक्त हो गए, यानी जो मुक्त हो गए। बुल्ले शाह ने कहा है, राती सपन आवे उन जेड़े अल्लाह वाले हु, जो परमात्मा को देख लेते हैं, जो परमात्मा वाले हैं, जो अल्लाह वाले हैं, उनको रात को स्वप्न नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि रात्रि को जो आपको स्वप्न आते हैं वो आपके दिन भर की सोच के परिणाम ही होते हैं, वो उनकी रिफ्लेक्शंस ही होती हैं। आपने कुछ सोचा, कुछ इच्छा की, कुछ विषय वासनाएं अधूरी रह गईं, कुछ चिंताओं ने घेर लिया, कुछ सोचे जा रहे हैं, कुछ इच्छा रखे जा रहे हैं, वो सभी रात्रि को स्वप्न बन के आपको आ जाती है। सो स्वप्न अवस्था दूसरी अवस्था, और तीसरी अवस्था है सुषुप्ति अवस्था, जब आप सो जाते हैं, निद्रा अवस्था जिसे कह देते हैं। तीन अवस्थाएं और जागृत अवस्था में आपका मन जागृत होता है, आपका शरीर चलता फिरता है, आप सभी तरह के कर्मकांड करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, लेन देन करते हैं, लेकिन स्वप्न अवस्था के बीच में आपका कोई जोर नहीं होता। स्वप्न आपको आ जाता है और आप स्वप्न देखते हैं, देख मात्र सकते हैं, स्वप्न पर आपका कोई जोर नहीं होता, स्वप्न को आप बदल नहीं सकते। दिन में जागृत में आप अपने कर्म को बदल सकते हैं, आपने कहीं जाना है चाहे तो ना जाए, चाहे तो पोस्टपोन कर दें, चाहे तो देर अबेर चले जाएं, चाहे तो जल्दी चले जाएं, जागृत में। लेकिन स्वप्न अवस्था में आप ऐसा नहीं कर सकते। स्वप्न अवस्था में सिर्फ आप इतने लाचार होते हैं कि आपको देखना ही होता है स्वप्न, आप स्वप्न को देखने से मना नहीं कर सकते, आप स्वप्न के भीतर कोई व्यवधान खड़ा नहीं कर सकते, आप स्वप्न को पोस्टपोन नहीं कर सकते, आप स्वप्न के भीतर कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते। स्वप्न तो आपकी विवशता है देखने की, वो आपकी दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति निद्रा, निद्रा अवस्था पर भी आपका कोई जोर नहीं है, निद्रा आ जाती है, सो जाते हैं घूक मूर्छित अवस्था में सो जाते हैं, बस कुछ पता नहीं चलता, सब कुछ खो जाता है, संसार मिट जाता है, जैसे कोई है ही नहीं। सोया हुआ व्यक्ति संत की भांति हो जाता है। कैसे? जैसे संत के लिए दुई मिट जाती है, दूसरा मिट जाता है, जो व्यक्ति देख लेता है कि मैं ही हूं, मैं कौन हूं और मैं ही हूं, तो उसके लिए दुई खत्म हो जाती है, उसके लिए भय खत्म हो जाता है। तो उसके पास अगर शत्रु आएगा तो भी उसे डर नहीं लगेगा, और मित्र आएगा तो भी उसको ज्यादा प्रसन्नता नहीं होगी। तो उसके लिए भेद बुद्धि समाप्त हो गई, संत के लिए भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है, ऐसे ही सोए हुए व्यक्ति के लिए भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है। उसके पास से कोई उसका घोर दुश्मन, जानी दुश्मन होके गुजर जाए तो भी वो आया कि गया उसे पता नहीं लगता, और उसके पास उसका घोर मित्र, परम मित्र आके भी चला जाए तो उसको नहीं पता लगता।
मस्त है। दूसरे शब्दों में जो सोया हुआ व्यक्ति है वो सुप्त संत है, सोया हुआ संत। जो एनलाइटेंड पर्सन है वो जागृत संत है, जो सुषुप्त व्यक्ति है वो सोया हुआ संत है। जो तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और निद्रा अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। अब आप देखिए कि जागृत अवस्था में तो आपको पता होता है आप क्या करें, हालांकि आपको पता नहीं होता, जागृत अवस्था में भी आप सारे कर्म करीब करीब बेहोशी में करते हो। मजबूरियां आपसे वो कर्म करवाती हैं, आप अपने फैसले कम ही बरत सकते हो जागृत अवस्था में भी, स्वप्न में आप कुछ कर ही नहीं सकते और सुषुप्ति में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते। तीन तरह की अवस्थाओं में जागृत को तो छोड़ दो, आप जानते हैं, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था से आपको आत्मा के होने का अनुमान लग सकता है। मैं क्या कहता हूं, एस्टीमेट। कुछ चीजें प्रमाण के रूप में स्वीकृत होती हैं, कुछ चीजें अनुमान से भी पता लग जाती हैं। जैसे किसी रेत के ऊपर आप सुबह उठो और किसी व्यक्ति के पांव के निशान पाओ तो आप कम से कम अनुमान तो कर सकोगे कि यहां से कोई रात्रि को गुजरा है, क्योंकि पांव के निशान। रेत के भीतर से रात को कोई पशु गुजर गया, व्यक्ति गुजर गया, हाथी गुजर गया, तो आपको पता तो चल ही जाता है कि यहां से कोई गुजरा, उसका अनुमान तो लग जाता है। सो आपको निद्रावस्था और स्वप्न अवस्था से आत्मा के होने का अनुमान लग सकता है। आपने यही कहा है कि अनुमान के रूप में ही बता दीजिए कि आत्मा का हमें अनुमान ही लग जाए, प्रमाण तो ना मिले, प्रमाण तो वहां जाकर ही मिलेगा। चलो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अनुमान लग सकता है। कैसे, देखिए तीन चीजें होती हैं। आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, बात गहरी बहुत है, इसलिए अगर आपकी वृत्ति कहीं भटक रही है तो कृपया कॉन्सेंट्रेट होके इस बात को सुने। आप अपनी चेतना को घनीभूत कर लें सुनने के लिए और मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अनुमान भी लग जाएगा। रात्रि को आप सोए हैं, आप अपने आप को अभी तक शरीर मानते हैं और मन मानते हैं, ठीक। तो रात्रि को जब आप परम विश्राम में होते हैं, परम शिथिल अवस्था में होते हैं, तो आपका शरीर पूर्ण रूप से निष्क्रिय होता है, आप पूर्ण रिलैक्स होते हैं, शिथिल अवस्था में होते हैं, टोटली रिलैक्स्ड, परिपूर्ण शिथिलता। उस अवस्था में तो आपका शरीर होता है जिसे आप जागृत अवस्था में मैं कहते हैं कि मैं, वो उस वक्त नहीं होता। निद्रावस्था में आपको शरीर का भान नहीं होता,
दूसरा समाधि अवस्था में भी आपको शरीर का भान नहीं होता। देह भान समाधि में समाप्त होता है या निद्रा में सुषुप्ति अवस्था में भी देह भान समाप्त हो जाता है, शरीर का आपको कोई पता नहीं चलता। दूसरा, आपने मान रखा है कि मैं मन। देखिए, रात को अगर मन अपना काम करता रहे, चलता रहे, तो निश्चित रूप से आप सो नहीं पाएंगे। जब मन बिल्कुल भी नहीं चलता, मन भी शरीर की तरह पूर्ण शिथिल हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, सक्रियता को समाप्त कर देता है, निष्क्रिय पूर्ण निष्क्रिय अवस्था में मन नहीं बचता। समाधि अवस्था में भी मन नहीं बचता, सुषुप्ति अवस्था में भी मन नहीं बचता। देखिए, इन बातों को मैं पैरेलल समझा रहा हूं आपको, और आपने पैरेलल ही समझनी है। समाधि में भी शरीर का भान नहीं होता और निद्रा अवस्था में भी शरीर इतना शिथिल होता है कि शरीर का भान नहीं होता, बराबर। दूसरा, समाधि अवस्था में भी आपका मन तिरोहित हो जाता है, और पूर्ण सुषुप्ति अवस्था में जब आप बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में सोए होते हो, टोटल अनकॉन्शियसनेस, खो देते हो अपनी सारी कॉन्शियस, टोटल अनकॉन्शियसनेस, कौन आया, कौन चला गया, किसकी आवाज हुई, किसकी न हुई, कुछ पता नहीं, आपको कोई आसपास का पता नहीं, सब तरफ पूर्ण शांति है, मजेदार नींद का आनंद ले रहे हो आप, परिपूर्ण शांत अवस्था में आप अवस्थित हो। इसलिए तो निद्रा अवस्था इतनी प्यारी लगती है, क्योंकि निद्रा अवस्था की दो बातें समान हैं। जैसे समाधि अवस्था में परम आनंद की अनुभूति होती है, निद्रा अवस्था में भी आपको सुबह उठकर आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि निद्रा अवस्था में आपका मन परिपूर्ण निष्क्रिय होकर शिथिल होकर शांत हो जाता है, कोई विचार नहीं चलता, कोई भावना नहीं चलती, कुछ भी आपको परेशान नहीं करता, आप बिल्कुल शिथिल शांत सोए होते हो निद्रा में लीन। तो समाधि अवस्था में आनंद मिलता है, निद्रा अवस्था में भी आपको आनंद मिलता है। दो अवस्थाओं की समानता, देह भान का पता ना होना समाधि में भी निद्रा में भी, मन का ना होना समाधि में भी निद्रा में भी, अवस्थाएं समान हो गई। लेकिन तीसरी अवस्था का फर्क पड़ता है। मैंने कहा कि आप फिल्म देख रहे हैं, एक सिनेमा हॉल में बैठे हैं, आप बैठे हैं, आप देखने वाले हैं, आप देख रहे हैं, आपके सामने क्या है, आपके सामने ऑब्जेक्ट के रूप में एक स्क्रीन है, वाइट पर्दा, जिसके ऊपर फिल्म चलती है, और पीछे से प्रोजेक्टर कुछ रंगदार आकृतियां फेंक रहा है, जिनसे उस स्क्रीन के ऊपर आकृति बन रही है और आप उसे देख रहे हैं। अब यहां देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, यानी किसी भी दृश्य को देखने के लिए
दर्शक का होना लाजिमी है। अगर कोई देखने वाला ना होगा तो देखेगा कौन? किसी दृश्य को देखने के लिए, अब थोड़ा सा गहरे से समझना इस बात को, किसी दृश्य को देखने के लिए देखने वाला चाहिए, कोई देखने वाला चाहिए, जरूर चाहिए, नहीं तो वो सिर्फ सीन ही रह जाएगा, उसका दर्शक कोई नहीं होगा। अकेले फिल्म के हॉल में, सिनेमा हॉल में फिल्म चलती हो, देखने वाला कोई भी ना हो तो फिल्म चल जाएगी स्क्रीन के पर्दे पे, लेकिन देखने वाला कोई नहीं होगा, उसका साक्षी कोई नहीं होगा कि इस पर्दे के ऊपर ये फिल्म चली, अच्छी चली कि बुरी चली, कि हंसी मजाक वाली थी कि कैसी थी, कुछ पता नहीं। देखने वाला अगर मौजूद ना हो, तीसरे आप दर्शक, एक तो जो दिख रहा है सीन दृश्य, एक आप देखने वाले दर्शक, और एक तीसरी चीज भी बीच में होती है। क्या? आप देखने वाले भी बैठे हैं और सामने स्क्रीन भी है, दृश्य भी है, फिल्म भी चल रही है, लेकिन एक तीसरी घटना भी बीत रही है बीच में, कौन सी है वो? प्रोसेस ऑफ सीइंग, देखने की प्रक्रिया, दर्शन की प्रक्रिया, जिसके द्वारा देखा जाता है, दर्शन जिसे कह देते हैं, दर्शन की क्रिया, प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रोसेस ऑफ सीइंग, देखने की प्रक्रिया। आप बैठे हो, आपके पास देखने का यंत्र ना हो, देखने की प्रक्रिया का साधन ना हो, आंखें ना हो आपके पास, आप देखने वाले तो बैठे हैं, आप तो बैठे हैं, फिल्म भी चल रही है लेकिन दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि आपके पास आंखें नहीं है देखने के लिए। आंखें देखेंगी एनर्जी के द्वारा उस दृश्य को, तो तीसरी चीज भी चाहिए, आंखें दर्शन की प्रक्रिया के द्वारा देखेंगे। तीन चीजें होंगी ना, तीनों चीजों का कनेक्शन हुआ तो वो दृश्य दिखाई पड़ा। आप सारी फिल्म देख लेंगे, आप कहेंगे बड़ी मजेदार फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है, क्या खूब है। तो ये तीन चीजें घटित होती हैं जब भी कोई चीज देखी जाती है। स्क्रीन तो ऑब्जेक्ट हो गया, आप सब्जेक्ट हो गए देखने वाले, और वो जो है वो बीच में से दोनों को, दर्शक और दृश्य का कनेक्शन, दर्शन। अब आप देखिए कि जब आप गहन निद्रा में होते हैं, जब आप गहन बेहोशी के हालत में होते हैं, क्योंकि निद्रा अवस्था तो बेहोशी की हालत ही है ना, बिल्कुल ठहर गया है सब कुछ, बेहोशी की, परम बेहोशी की हालत में आप पड़े, कोई पता नहीं आपको, मस्त तो सुबह जब आप, आपको जाग आती है, आप जागते हैं, तो सुबह उठ के आप क्या कहते हैं कि रात को नींद बहुत बढ़िया आई, रात को नींद बहुत बढ़िया आई। तो अब बात विचार नहीं आती है, यहां से आपको अंदाजा लगेगा, जो आप कहते हो कि कुछ अनुमान तो लग जाए, अनुमान यहां से लगेगा। कैसे? आप शरीर समझते हो अपने आप को, वो सो रहा था परम शिथिलावस्था में, परम विश्राम अवस्था में सो रहा था। आप अपने आप को मन समझते हैं,
वो भी सो रहा था, गूढ़ निद्रा में सो रहा था। मन मस्तिष्क बड़ी गहरी निद्रा में लीन आनंद का लुत्फ ले रहे थे। शरीर आपका परम अवस्था में विश्राम कर रहा था, रिलैक्स। तो आप सुबह उठ के ये कहते हो कि नींद बहुत बढ़िया आई। ये जो नींद बहुत बढ़िया सारी रात देखी गई, ये किसने देखी, क्या बता सकते हैं आप? रात को मुझे नींद बहुत बढ़िया आई, इसका अर्थ कोई सारी रात आपको परम आनंद की अवस्था में देख रहा होगा, तभी तो आपको बताया गया ना, तभी तो आपको पता चला ना। फिर से सुनिए मेरी बात को, अगर समझ में ना आए हो। आप सुबह उठ के कहते हो 6 घंटे की नींद आई आपको, फर्ज करो 7 घंटे की नींद आई, बड़ी गहरी नींद आई, बड़ी मजेदार नींद आई, बड़ी शांतिपूर्वक नींद आई। 7 घंटे वो कौन सा ऐसा तत्व था जो लगातार आपको निहार रहा था कि ये बड़े मजे की नींद सो रहा है, बड़े मजेदार नींद ले रहा है आज ही? और अगर आपको नींद गहरी ना आई हो, छटक छटक जाती हो नींद, कोई चिंता सता रही हो, बीच बीच में से कभी नींद आ जाती हो, कभी बोझ के कारण नींद खुल जाती हो, कभी नींद आ गई, कभी जाग आ गई, कभी नींद आ गई, कभी जाग आ गई, डिस्टर्ब से रहते हो आप, जैसे किसी ने व्यवधान डाल दिया हो नींद में, इरिटेट से रहते हो आप सारी रात भटकना में रहते हो, नींद नहीं आती ठीक से, तो सुबह उठ के आप कहते हो कि रात को ठीक से सो नहीं पाया। रात को ठीक से सो नहीं पाया, डिस्टर्ब सा रहा, नींद सी जाग सी आती रही सारी रात, व्यवधान सा खड़ा रहा। तो वो कौन सा तीसरा तत्व था? दर्शक तो कोई चाहिए ना देखने वाला, आप तो सो रहे थे, आप अपने आप को मन समझते हैं, मन सो रहा था, मन तो पूर्णतया निष्क्रिय था, आप अपने आप को शरीर समझ रहे हो तो शरीर बिल्कुल शिथिल पड़ा था, दोनों के भान नहीं थे, लेकिन तीसरा देखने वाला कौन था जो आज ये कह रहा है कि रात को ठीक से नींद नहीं आई, इतनी गहरी नींद नहीं आई, इतनी शांति नहीं मिली रात को, इतनी फ्रेशनेस नहीं मिली मुझे? वो देखा किसने कि आपको फ्रेशनेस नहीं मिली? सारी रात कौन सा ऐसा तत्व था जो लगातार ये निहारे जा रहा था कि ये व्यक्ति ठीक से नहीं सो पा रहा है आज? वो तीसरा तत्व कौन था? Who was he? जो लगातार सारी रात आपको देख रहा था और फिर सुबह उठकर आप कभी कहते हो स्वप्न अवस्था की बात, जैसे आपको कोई स्वप्न आ गया कि आप कहीं जा रहे हैं, सुंदर बगीचा है, सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, खुशबू आ रही है, नासिका में सुगंध फैले जा रही है, आपको मदहोश कर रही है, आप आनंदित हुए जा रहे हैं, प्रफुल्लित हुए जा रहे हैं, या किसी कष्ट में है, कोई ऐसा स्वप्न दूस्वप्न आ गया, या स्वप्न में आपकी प्रेयसी या प्रेमी आपको मिल गया, आप बातें कर रहे हैं, बड़े प्यार से बातें कर रहे हैं, या कोई झगड़े वाला स्वप्न आ गया कि आपको आपका दुश्मन मिल गया, आपका लड़ाई झगड़ा हो गया, मुंह के गुस्से चल पड़े, खूब झगड़ा हुआ,
मारकाट हुई, मारपीट हुई, स्वप्न आ गया आपको, डरावना स्वप्न आ गया। तो देखिए, स्वप्न तो स्क्रीन पे चल रहा था ना, जैसे फिल्म चल रही है। स्क्रीन के ऊपर स्वप्न चल रहा था, आप सो रहे थे, तो स्वप्न देखा किसने? उस वक्त कौन देख रहा था स्वप्न? अगर आपने सारी रात बहुत गहरी नींद में गुजारी और सुबह सुबह उठने से कुछ देर पहले आपको स्वप्न आ गया, कोई भी स्वप्न आ गया, तो वो किसने देखा? क्योंकि आप तो सो रहे थे, आप सो रहे थे, मन की स्क्रीन खाली नहीं थी, मन की स्क्रीन पे स्वप्न चल रहा था, पर उसको देखे तो कोई जा रहा था कि मुझे स्वप्न आया। वो मैं कौन हूं जो कहता है कि मुझे स्वप्न आया? अब इससे अनुमान लगाइए, अब आपको अनुमान लग जाएगा, वो आप थे, वो आप थे। सुंदर नींद आई, अति सुंदर नींद आई, तब भी आप थे जो देख रहे थे। ठीक से नींद नहीं आई, गड़बड़ी सी रही, वो भी आप थे जो देख रहे थे। यार गड़बड़ हो रही है, हाय बड़ी सुंदर नींद आ रही है, और जो स्वप्न आया वो भी आप थे। दर्शक तो कोई चाहिए ना, कौन था दर्शक? उस गहरी बेहोशी के अंदर भी कोई दर्शक था जो देख रहा था बड़ी सुंदर नींद आ रही है। बहुत गहन बेहोशी की हालत में पड़ा है ये आज, बड़ी गहरी बेहोशी। आप उस बेहोशी में फ्रेश तो होते हैं, लेकिन बेहोशी पूर्ण हो तो उतनी ही ज्यादा आपको फ्रेशनेस आती है। अगर डिस्टर्बेंस हो तो फ्रेशनेस कम आती है। आप सुबह उठ के कहते हो कि ठीक से नींद मुझे आई नहीं, मुझे नहीं आई, तो जिसे आप मैं कहते हो तो भाई सोए पड़े हैं या डिस्टर्ब चल रहे हैं, या तो पूर्ण निद्रा अवस्था में है, बेहोशी में, या डिस्टर्ब है, या आप स्वप्न में है। तो उन तीनों स्थितियों का साक्षी कौन है, देखने वाला कौन है उस अवस्था में? वो आप हैं, वो आप हैं, क्योंकि आप अवेयरनेस हैं। आत्मा का दूसरा अर्थ होश या निरंतर जागरूकता। आप कभी सोते नहीं, यह बात समझ लीजिए, आप सदा जागते रहते हैं, चाहे जागृत अवस्था हो, चाहे स्वप्न अवस्था हो, चाहे निद्रा अवस्था हो, चाहे तुरिया अवस्था हो, समाधि की अवस्था तुरिया अवस्था हो, आप निरंतर जागते रहते हैं। आपका स्वभाव सोना है ही नहीं, एनर्जी कभी सोती है क्या? आप परम एनर्जेटिक हो, सर्वशक्तिमान हो, सारी शक्ति आपकी है, आप कैसे सोओगे? आप सो सकते ही नहीं, एनर्जी ही सो गई तो डेड हो गई, वो एनर्जी कैसे रही? एनर्जी तो जागृति का नाम है। सो वो आप थे। आत्मा का दूसरा अर्थ होता है होश या निरंतर जागरूकता। आप जागरूक हैं, जागे हुए हैं, सोए नहीं हैं। आप कभी सोते भी नहीं, शरीर सोता है, मन सोता है, विचार सो जाते हैं, आप नहीं सोते, ये ध्यान में रखना। आपका स्वभाव ही जागना है निरंतर, दिन भर रात, हर वक्त, सालों सालों, जन्मों जन्मों, अनंत वक्त तक आप जागते ही रहोगे, कभी सोते नहीं।
अवेकनिंग अवेयरनेस, टोटली अवेयरनेस। आपके भीतर एक शब्द आता है दिया बले अगम का, अगम जहां पहुंचा ना जा सके, जो अगम हो, गम गम का अर्थ जहां पहुंचा जा सके, गम नहीं है जहां पहुंचा जा सकता है, जहां जाया जा सकता है, अगम जहां पहुंचा ना जा सके। अगम परमात्मा को कहते हैं। परमात्मा तो कैसे, सारे परमात्मा को आप कैसे छानोगे, कैसे वहां तक आप मापदंड करोगे। अगम उसका एक शब्द है, एक शब्द उसके लिए अगम भी प्रयोग किया गया है, संतों ने अगम शब्द प्रयोग किया है। दिया बले अगम का, बिन बाती बिन तेल। अब एनर्जी को क्या जरूरत पड़ेगी तेल की और बाती की, एनर्जी तो खुद से दैदीप्यमान है, एनर्जी तो खुद से ही प्रज्वलित है। आत्मा तभी तो कहते हैं कि खुद ही रोशनी है आत्मा, तभी तो एनलाइटेंड कहते हैं। लाइट का जो शब्द प्रयोग होता है एनलाइटेंड, वो लाइट शब्द से ही बना हुआ है। आपको प्रकाश हो गया, उस प्रकाश के पास पहुंच गए आप, एनलाइटेंड, उसको हम एनलाइटेंड पर्सन कहते हैं। उसको प्रकाश हो गया, उसको दिख गया सब कुछ, वो लाइट में आ गया, वो अंधेरे में नहीं रहा। दिया बले अगम का, बिन बाती बिन तेल। बिना बाती और बिना तेल के उस अगम का दिया दिन भर रात हर वक्त जलता रहता है आपके भीतर, और वो जो दिया अगम का जलता रहता है आपके भीतर, उसी को मैं आत्मा कहता हूं, उसी को मैं परमात्मा कहता हूं। सरल से सरल व्याख्या अगर आत्मा की करनी हो तो मेरी दृष्टि में इससे ज्यादा सरलतम व्याख्या शायद ही कोई हो। मेरी दृष्टि में आत्मा की जो आपकी समझ में थोड़ा पकड़ दे सकती है आपको, जो आपको अनुमान लगवा सकती है, उस आत्मा का दर्शक होने के नाते, होश होने के नाते कि कोई होश है भीतर जो हमारी परम बेहोशी के हालत में भी हमको देखता रहता है, वो ही आप हो। जो आपकी परम बेहोशी की हालत में भी निरंतर आपका साक्षी बना रहता है, आपकी उस हर अवस्था को वो देखता रहता है बराबर, चाहे आप परम बेहोशी की अवस्था में हो, सुषुप्ति की अवस्था में हो, या कुछ थोड़ा बहुत आप डिस्टर्ब्ड हो, या आप स्वप्न देख रहे हो, किसी भी अवस्था में आप हो, उसका वो निरंतर साक्षी रहता है। तो निद्रा की अवस्था में, सोए हुए की अवस्था में समझाना थोड़ा सा आसान था, इसीलिए मैंने यही रास्ता चुना। वैसे तो जागृत अवस्था में भी इसको साक्षी बन के देखा जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा कठिन पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। यहां से आप अनुमान लगा सकते हो कि तीसरा कोई तत्व है, ऐसा कोई तत्व है जो आपको बराबर देख रहा है, ऐसा कोई साक्षी है जो हर वक्त आपके ऊपर निगाह रखे हुए है, क्या इसकी क्या दशा चल रही है। बस वो ही आप जो निरंतर जागते रहते हो, निरंतर देखते रहते हो। धन्यवाद।